हाँ भैया ध्यान दें तो कहना पड़ा, जैसा कि अभी आपने सुना सीता मंदोदरी की संतान, इसी प्रकार बात नारी की है, नारी ही रावण का काल बनी। तो नारी की जब बात आई तो हमारी ओर से भी कहना हुआ, कहना हुआ के नारी को ना तुम नारी समझो, के नारी को ना तुम नारी समझो, नारी तो नर से आगे है, नारी स्वरूप है शक्ति का जो परमेश्वर से आगे है। जब प्रेम की बातें करती है, जब प्रेम की बातें करती है, तब वो प्यारी कहलाती है। जब प्रेम की बातें करती है तब वो प्यारी कहलाती है। मिलती है पुरुष से जब नारी, तब वो नारी कहलाती है। नारी नर पैदा करती है, ए भैया बड़े भैया, नारी नर पैदा करती है तब संसारी कहलाती है। जब दूध पिलाती है अपना तब महतारी कहलाती है। जब दूध पिलाती है अपना तब महतारी कहलाती है। जब दूध पिलाती है अपना तब महतारी कहलाती है। जब दूध पिलाती है अपना तब महतारी कहलाती है। कि संसार की जननी नारी है, संसार की जननी नारी है, जो दुनिया भर से आगे है। तभी तो कहना पड़ा कि नारी स्वरूप है शक्ति का जो परमेश्वर से आगे है। आइए ध्यान दें, जब जन्म कहीं लेती नारी, जब जन्म कहीं लेती नारी, तब वो लाली बन जाती है। जब दुल्हन बनकर आती है तब घरवाली बिखरा ले लट जब कांधे पर लाटों वाली बन जाती है। भैया बिखरा ले लट जब कांधे पर लाटों वाली बन जाती है। जब क्रोध में आती है नारी तब महाकाली बन जाती है। के हरिद्वार गया काशी पुष्कर गंगा सागर से आगे है। तभी तो कहना पड़ा के नारी स्वरूप है शक्ति का जो परमेश्वर से आगे है। ये भैया ध्यान दे, आजकल जगह जगह पर अपमान भी होता है नारियों का। कहना पड़ा क्या कहना पड़ा, सम्मान करो तुम नारी का, सम्मान करो तुम नारी का, नारी को सताना बंद करो, लेना दहेज देना दहेज ये चलन पुराना। सम्मान करो तुम नारी का, नारी को सताना बंद करो, लेना दहेज देना दहेज ये चलन पुराना। बारात में पलटन की पलटन मेहमानों का लाना बंद करो। भैया बारात में पलटन की पलटन मेहमानों का लाना बंद करो। कह दो दहेज भिख मंगो से बहुओं को जलाना बहुओं को जलाना बंद करो। के दुल्हन को दहेज तुम समझो, दुल्हन को ही दहेज तुम समझो जो हर एक जर से दौलत से आगे है। तभी तो कहना पड़ा कि नारी स्वरूप है शक्ति का जो परमेश्वर से आगे है। आइए ध्यान दें,
एक नारी सती अनसुईया थी, एक नारी सती अनसुईया थी, भिक्षुकों को टलने नहीं दिया। एक सती शांडली नारी थी, सूरज को निकलने नहीं दिया। एक नारी अवध की तारा थी, सतपथ का बदलने नहीं दिया। भैया ए भैया बड़े भैया, एक नारी अवध की तारा थी, सतपथ का बदलने नहीं दिया। एक नारी सती सावित्री थी, यमराज को हिलने नहीं दिया। एक नारी सती सावित्री थी, यमराज को हिलने नहीं दिया, नहीं दिया। कहना पड़ा के नहीं कलयुग ये करियुग है, यहाँ करणी कमा ले तू, और वजन पापों का सर पर है, इसे कुछ तो घटा ले तू। जो हरिजन बन तो ऐसा बन के हरि सिमरन की हद कर दे, और भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। तभी तो हमने कहा एक नारी अवध की तारा थी, सतपथ का बदलने नहीं दिया। एक नारी सती सावित्री थी, यमराज को हिलने नहीं दिया। एक नारी सती सावित्री थी, यमराज को हिलने नहीं दिया। एक नारी सती सावित्री थी, यमराज को हिलने नहीं दिया। एक नारी सती सावित्री थी, यमराज को हिलने नहीं दिया। शंकर से सती जी आगे हैं, राधा गिरधर से आगे हैं। तभी तो कहना पड़ा के नारी स्वरूप है शक्ति का, जो परमेश्वर से आगे है। आइए ध्यान दें, वही बात आई रावण की। रावण ने हरण किया नारी का, तब मरा था रण में वो रावण। छल किया इंद्र ने नारी से, तब उस पापी का हुआ पतन। छल किया इंद्र ने नारी से, तब उस पापी का हुआ पतन। अपमान किया था द्रौपदी का, हारा था सभा में दुशासन। अपमान किया था द्रौपदी का, हारा था सभा में दुशासन। सोचो तो सही, समझो तो सही, कहते हैं फलकपुर रघुनंदन। सोचो तो सही, समझो तो सही, कहते हैं फलकपुर रघुनंदन। सोचो तो सही, समझो तो सही, कहते हैं फलकपुर रघुनंदन। अपमान किया था द्रौपदी का, हारा था सभा में दुशासन। सोचो तो सही, समझो तो सही, कहते हैं फलकपुर रघुनंदन। कहते हैं मस्त गंगा शंकर, कहते हैं मस्त गंगा शंकर। गंगा शंकर से आगे है, गंगा शंकर से आगे है, नारी स्वरूप है शक्ति का, जो परमेश्वर से आगे है। शक्ति का जो परमेश्वर से आगे है, नारी स्वरूप है शक्ति का जो